हेलो एवरीवन, हर बार की तरह इस बार भी एक नए सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, आज मैं आपको वीडियो जो बताने वाला हूं बोरिंग के बारे में, कि बोरिंग हम कहां करें और कितनी डेप्थ में करें, ठीक है। और ये वीडियो में मेरे एक क्लाइंट हैं जयपुर में, उनकी मैंने ड्रॉइंग बनाई थी, तो उनका ये सवाल है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो कहां करें और क्यों करें, वैसे तो बोरिंग दिल्ली में अलाउ नहीं है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है, लेकिन आप फिर भी अगर आप बोरिंग करवा लेते हैं थोड़ा बहुत पुलिस को पैसे देके, ठीक है ना, तो ये आपके अपने रिस्क पे है। वैसे तो बोरिंग ना करके आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि पानी का लेवल दिन बर दिन नीचे होते जा रहा है और हमारी धरती के अंदर से पानी दिन बर दिन नीचे होते जा रहा है, ठीक है। तो हमें उसके लिए कुछ जागरूक होना पड़ेगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम पानी को बचा सकें, ठीक है ना। ये जो मैं वीडियो बोरिंग की बना रहा हूँ, ये जो मैं जब मैं साइट पे गया था डायमेंशन लेने के लिए, तो मैंने वहां पे एक बोरिंग ऑलरेडी देखा था। उसके बावजूद जब मैंने देखा कि आप दूसरी बोरिंग क्यों करा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हमारी जो पुरानी बोरिंग है उसमें पानी आना बंद हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह भी देखिए यही है कि जमीन का जो पानी का लेवल है वो दिन बर दिन नीचे जाया जा रहा है, तो हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, पानी को सेव करना पड़ेगा, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाना पड़ेगा जो हम, और खास तौर से मैं जहां रहता हूं, मैं ओखला में रहता हूं, यहां एक बहुत बड़ी आबादी है, ठीक है ना, इतनी बड़ी आबादी है, हर घर में बोरिंग हो रही है और हम पैसे देके करा तो लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है। अब यकीन मानिए आप, अगर सरकार चाहे तो आप पुलिस वालों को पैसे देके भी नहीं बोरिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, क्योंकि वो आपको पीने योग्य पानी दे नहीं पाती है, तो इसलिए वो उन्होंने ढील कर रखी है आप बोरिंग करा सकें, ठीक है ना। ये सरकार की कमी है, क्योंकि अगर आप बोरिंग नहीं कराएंगे तो आप गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि भैया हमें पीने वाला पानी दीजिए, तो वो गवर्नमेंट आपको दे नहीं सकती, इस वजह से उन्होंने ढील दे रखी है कि भैया आप पुलिस के लेन देन से आप अपना बोरिंग करा लीजिए। इसमें पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, गवर्नमेंट की गलती है सारी, ठीक है। और एक चीज मैं कहूंगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट जरूर बनाइए, जरूर 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 बनाइए। और हमारे एरिया में करीब 50 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो उसके जिम्मेदार है, वो मस्जिद में जो वजू खाना होता है वहां पे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, तो वहां पे पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में ही डालें, ठीक है ना, क्योंकि वो पानी बिल्कुल साफ होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, मुंह में पानी डाला, हाथ में पानी डाला, वो हमारा सीवर में पानी चलाता है, ठीक है, तो उस पानी को भी बचा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बना के। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कहां हम अपना बोरिंग करें, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इसका आप इसको अंडे से, नारियल से और एक तांबे की एल रॉड से पता लगा सकते हैं। अंडे से या नारियल से मैं आपको बताऊं, देखिए ये एक अंडा है, ठीक है ना, आप इसको हाथ पे रख के, जो भी आपका प्लॉट है या जो भी आप, ठीक है ना, वहां पे आपको बोरिंग करानी है, इसको हाथ पे रख के आपको चलना है ऐसे अपने अपने प्लॉट के चारों तरफ, जिस जगह ये अंडा खड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, जिस जगह ये अंडा ऐसे खड़ा हो जाएगा, या नारियल, ठीक है, हाथ पे ऐसे रख के चलेंगे ना, तो जिस जगह ये नारियल या अंडा खड़ा हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि वहां पे नीचे जमीन के अंदर पानी है, ठीक है। और ये देखिए, ये पुराने टोटके हैं, ये इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, हर किसी के बस की बात नहीं है, तो जो पुराना आपका ड्रिलिंग का ठेकेदार हो उससे करवाइए आप, ठीक है ना, वही लोग कर सकते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, ये सब चीजें नहीं, आजकल तो हर लड़का 2 दिन काम करता है, ठेकेदार बन जाता है, तो ये जो पुराना ठेकेदार है उससे आप बात करिए, उसका एक्सपीरियंस है नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपने वो देखा होगा, पुराने हकीम नब्ज देख के बीमारी बता दिया करते थे, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त है शाहबाज भी कराएंगे, एक सेकंड आएंगे, इनको भी नब्ज देख के बता दिया था कि इनको बीमारी इश्क की, ठीक है ना। तो इस तरह से वो सब एक्सपीरियंस वाली चीजें होती हैं। तो आपको जब ये चेक करना है तो कुछ नहीं करना, आपको अपने हाथ में नारियल लेके आपको अपने प्लॉट पर चलना है, जहां वो नारियल खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे ये नारियल है, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, वहां समझे वहां पे पानी है, ठीक है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कैसे नारियल खड़ा हो रहा है। आपको जहां भी बोरिंग करा रही है उस खाली जगह में आप हाथ में नारियल रख के चलिए, देखिए जैसे ये नारियल खड़ा हो गया, जहां पे पानी होगा वैसे वहीं पे वो नारियल खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह आप एल रॉड, तांबे की एल रॉड होती है, आप उसको ऐसा पकड़ के अपने हाथ में, ठीक है ना, ऐसा पकड़ के हाथ में जब उसे चलेंगे तो एल रॉड भी बाहर की तरफ घूम जाती है, ठीक है ना। ये सब तरीके हैं, पुराने टोटके हैं, लेकिन ये कारगर है, 80-90% इनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ये सब चीजें कामयाब नहीं है, तो आप वाटर डिटेक्टिंग मशीन भी आती है, ठीक है ना, वो आप खरीद तो नहीं सकते हैं एक बोरिंग के लिए, क्योंकि वो 1.5-2 लाख की मशीन आती है, लेकिन जिससे आप ड्रिल करा रहे हैं, जो आपका ड्रिलर है
उससे आप पूछ सकते हैं कि आपके पास वो मशीन है या नहीं, ठीक है ना। आप पिक में देख पा रहे होंगे वो भी इसी लॉजिक पे काम करती है, लेकिन वो 100% रिजल्ट देती है, ठीक है ना। वो भी इसे हाथ में लेके उसे भी चलना पड़ता है, वो भी अगर घूम जाती है, ठीक है ना, एल रॉड की तरह, तो मतलब हमें पानी है। वाटर डिटेक्टिंग मशीन, ठीक है, उसको आप थोड़ा आप लोकेशन पता कर सकते हैं। देखिए यही मशीन है, वाटर डिटेक्टिंग मशीन। ये आप जैसे आपने खाली प्लॉट पे लेके चलेंगे, जहाँ ये घूमना स्टार्ट हो जाए समझिए वहाँ पे पानी है। इसमें आप पानी के डेप्थ का भी पता लगा सकते हैं कि कितनी गहराई में पानी है। ये मशीन थोड़ी महंगी है, 2 लाख के आसपास की आती है, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट इसका 100% है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि कितनी गहराई तक जाना है। तो देखिए इसका मैं एक स्पेसिफिक आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर एरिया का वाटर लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाटर डिटेक्टिंग मशीन है, ये आपको एक्चुअल रीडिंग बता देगी कि आपका कितने लेवल में पानी आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको उस लेवल से थोड़ा सा नीचे बोरिंग कराना है, और अगर मैं वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करूं तो वास्तुशास्त्र में ईशान कोणीय दिशा जो होती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, उसमें बोरिंग कराना चाहिए। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा जहां पे पानी निकल रहा है वहीं पे बोरिंग कराइए। अगर पूरे प्लॉट में सब जगह पानी है तो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार जा सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई बोरिंग बंद पड़ गया, काफी दिन से बंद पड़ा है, सूखा पड़ गया है, तो उसमें आप फ्रैकिंग कैप्सूल आती है, पिक में आप देख पा रहे होंगे फ्रैकिंग कैप्सूल आती है, वो बोरिंग में आप डाल दीजिए। वो क्या करेगा, वो जो पत्थर के बीच में जो बोरिंग जहां आपने करी है वहां पे वो रास्ता बना देगा, ठीक है ना, रास्ता बना देगा, और वो वहां से पानी फिर रीस के उस आपके बोरिंग में आने लग जाएगा, फिर वो खींचना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पुराना कोई बोरिंग क्या कहते हैं सूख गया है या पानी कम दे रहा है, तो आप फ्रैकिंग कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बोरिंग में गंदा पानी आ रहा है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि असल में होता क्या है, जब हम बोरिंग कराते हैं कि जैसे हमने ये बोरिंग कराया, ठीक है ना, ये हमारी बोरिंग है, यहाँ पे हमारी मोटर लगी हुई है, ठीक है, हमारी जो मोटर लगी हुई है आप देख पा रहे होंगे पिक में, ये जो हमारी मोटर लगी हुई है यहाँ पे हमारे सब छेद छेद होते हैं, ठीक है ना, ये पाइप में सारे छेद छेद होते हैं। तो जब ये मोटर चलती है तो पानी के साथ साथ वो क्या करती है, इसके जो यहाँ की मिट्टी होती है ना वो उसको भी खींचती है, ठीक है। तो इस वजह से पानी गंदा आता है। तो आपको चाहिए, अगर पानी आपका ज्यादा गंदा आ रहा है तो आप अपने मोटर की कम एचपी की मोटर लगाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है तो पानी के साथ साथ वो मिट्टी भी खींच रही है, ठीक है। जारी तो क्योंकि आपने लगवाई होगी, लेकिन आप पानी के साथ साथ वो मिट्टी भी खींच रही, तो आप अपने मोटर की थोड़ी पावर कम कर दीजिए, एचपी कम कर दीजिए, तो आपका वो मिट्टी खींचना कम कर देगी, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपका जो पानी जो मोटर होती है वो पानी में डूबी रहती है इतनी देर तक, ठीक है ना। और उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस मोटर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो मिट्टी होगी, मिट्टी क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएगी, पानी आपका ऊपर रहेगा, तो आपको साफ पानी मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, ये चीज है। और एक चीज और मैं कहूंगा, जब आप अपना नया बोरिंग करा रहे हैं, जैसे आपने बोरिंग कराया, ठीक है ना, पहले हम क्या करते हैं, एक लोहे की बोरिंग होती है, उसके अंदर हम लोग पाइप डलवाते हैं, अपना पीवीसी पाइप या जो भी आपको केसिंग जैसा बोलते हैं वो हम केसिंग डलवाते हैं। तो ये वाला जो एरिया ना देखा, जो उसके साइड में जो बसता है एरिया, पाइप के चारों तरफ जो एरिया बसता है, इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसमें बजरी, छोटी छोटी बजरी, 10 mm, 8 mm, 12 mm की बजरी इसमें चारों तरफ जरूर भरवाएं। इससे क्या होता है, जो इधर की मिट्टी होती है ना, वो छन पानी जो आता है वो मट्टी लेके ना, तो छन के पानी आता है इस बजरी की वजह से, फिल्टर का काम करती है ये, ठीक है। तो उससे भी आपका पानी साफ आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह आपको ये जो बोरिंग के बाद जो थोड़ी सी जगह बचती है, इसमें आपको ये 10 mm 12 mm की बजरी एग्रीगेट डालना है, मार्बल चिप्स जैसे बोलते हैं, और हिला हिला के डालना है ताकि अच्छे से नीचे तक चला जाए, और ये आपका फिल्टर मीडिया काम करेगा, पानी आपका छन के आएगा और मिट्टी को आने से रोकेगा भी ये, ठीक है, तो हमेशा पानी आपका साफ आएगा। और अगर आप नई बोरिंग करा रहे हैं तो कोशिश करिए कि बरसात के मौसम में बोरिंग अवॉइड करें, क्योंकि उस वक्त पानी आपको ज्यादा वाटर लेवल ऊपर होता है, तो हो सकता है कि आप उसको बारिश की वजह से बोरिंग वहीं छोड़ दें, लेकिन जब गर्मी आएगी तो आपका वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, तो फिर आपके बोरिंग में पानी नहीं होगा। तो कोशिश करिए गर्मी के मौसम में, मतलब बरसात जाने के बाद आप बोरिंग कराएं, ठीक है, तो आपको हमेशा पानी मिलता रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया गया
ठीक है ना। कितनी डेप्थ है वो तो आपको अपने पड़ोस के एरिया में आप मालूम कर सकते हैं, जो आपके एरिया का डीलर है वो बता देगा भैया आप शर्मा जी का इतना डेप्थ पे आया था, वर्मा जी कितना है, तो आपका भी उसी के आसपास होगा, ठीक है ना। लोकेशन के लिए मैंने आपको सारे टेक्निकल तरीका भी बता दिया, वाटर डिटेक्टिंग मशीन आती है और सारे टोटके बता दिए नारियल पानी के, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं नारियल पानी आपको ऐसे लेकर हाथ में लेकर चलना, जहां वो नारियल पानी ऐसे खड़ा हो जाए समझिए वहां पे पानी है, ठीक है। एल रॉड का वैसे ही है, जहां वो एल रॉड आपकी घूम जाती है इधर उधर, ठीक है ना, वहां पे मतलब पानी है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है कई बार हर आदमी के साथ काम नहीं करता, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पानी नहीं है, किसी आदमी को चेंज करिए, हर आदमी के साथ ये टोटका काम नहीं करता है। और आपके बोरिंग में से पानी बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है तो आप उसकी वॉशिंग करा सकते हैं। वॉशिंग कराने का तरीका क्या होता है, आपको कंप्रेशर से प्रेशर लगवाना होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब वो ये देख रहे हैं ये जो छेद छेद है यहाँ से जब मिट्टी आती है तो ये मिट्टी मोटर गंदा पानी खींचता है। तो आपका वॉशिंग कराने का तरीका क्या होता है, आप अपने इस पंप को पहले बाहर खींच लें, उसके बाद कंप्रेशर से यहाँ पे पानी बहुत तेजी से जब मरवाएंगे तो जो छेद है ना ये पानी आपको छेद से मिट्टी बाहर कर देगा, ठीक है ना, तो आपका वो छेद साफ हो जाता है, तो फिर वो पानी पानी साफ पानी आता है, ठीक है। ये सब तरीके हैं पानी साफ करने के, पानी का प्रेशर अच्छा करने का। कई बार क्या होता है आपने इतनी हैवी मोटर लगा ली होती है कि शुरुआत में तो बहुत तेजी से पानी आता है, फिर पानी थोड़ी देर बाद आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो इतनी इतनी तेजी इतनी ज्यादा पावर की पंप होती है कि पानी सारा खींच लेती है और पानी आने की एक लिमिट है, वो इतनी तेजी से जमीन में से आ सकती है। तो उस केस में आपको थोड़ा कम प्रेशर की मशीन लगानी है ताकि जितनी तेजी से पानी आ रहा है उतनी तेजी से पानी वो भेज भी सके, वरना आपने ज्यादा एचपी की मोटर लगा ली, ठीक है ना, 4 HP 5 HP की मोटर लगा ली और यहाँ पे पानी इतनी इतनी तेजी से रिस्क आने रहा है तो ये आपका बोर खाली हो जाता है और कई बार मोटर फूकने की भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए जितने की रिक्वायरमेंट है उतने एचपी की ना लगाए, थोड़ा कम एचपी का मोटर लगाए तो आपको पानी साफ भी आएगा और कंटिन्यू भी आएगा, वरना कई बार आप देखते होंगे पानी रुक रुक के आता है, उसमें से आवाज आती है जिन जिन जिन, तो ये सब प्रॉब्लम उसी की वजह से होती है कि आपने ज्यादा एचपी की पावर ज्यादा एचपी की मोटर लगा रखी है, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे हम लोग जनरली करते क्या है, जब हमसे कोई लोकेशन पूछता है, देखिए अगर कोई बड़ा प्लॉट है ग्रीन एरिया दे रहे हैं तो ग्रीन एरिया में बता देते हैं, लेकिन आजकल जैसे पता है बिल्डर फ्लैट सारे बिल्डर फ्लैट बन रहे हैं तो उसमें हम लोग ये सब कुछ नहीं देखते, ईशान कौन और फलाना कौन कोई कुछ नहीं देखता भाई, वो सिर्फ क्या करते हैं जहां पे हमारी शाफ्ट आ रही होती है ना उस जगह हम लोग बोरिंग दे देते हैं। कई बार क्या होता है बोरिंग तो बेचारा बिल्डर या जो भी प्रॉपर्टी ओनर करा लेता है लेकिन वहां पे पानी नहीं आता है तो उसका पैसा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मेरा मानना है कि ड्रॉइंग के हिसाब से बोरिंग ना करा के बोरिंग के पहले बोरिंग कराया जाए उसके बाद ड्रॉइंग की लोकेशन करी जाए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, पहले हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं फिर देखते हैं कहाँ जहाँ शाफ्ट है वहीं पे हम बोरिंग करवाते हैं, क्योंकि पाइप निकलना होता है ना, अगर ग्राउंड फ्लोर पे कराएंगे हर किसी भी जगह तो पाइप अटक जाता है, ठीक है। तो पहले बोरिंग की लोकेशन डिसाइड कर लीजिए, ये जो हमारा वाटर डिटेक्टिंग मशीन है इसके थ्रू या जो टोटके मैंने बताया नारियल वाला तांबे वाला तांबे एलरॉड वाला अंडे वाला दिया वाला, ठीक है, दिया जला के रख देते हैं जो दिया का तेल जल्दी खत्म हो गया मतलब वहां पे पानी नहीं है, ये सब तरीके हैं पुराने हैं और कारगर भी है, 80% ज्यादा इनके पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। और कोशिश करिए पानी बचाने की, बोरिंग को अवॉइड करिए, ठीक है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि आपको पानी दे, ठीक है ना, और आप भी थोड़ा पानी को सेफ से बचाइए, पानी की बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।